हेलो एवरीवन, जैसे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले हम उसके पहले पृष्ठभूमि में जाएंगे। पृष्ठभूमि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में उसका इमेज बनना चाहिए। आपने भी, लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि हम किसी भी, चाहे कितने भी तथ्य को रट लें, वो हमें कभी याद नहीं रहता। याद तभी रहता है जब हम लोग उस चीज़ को इमेज बनाते हैं। इसलिए मैं इसको इमेज बनवा रहा हूँ आप लोग के दिमाग में और ये चीज आप लोगों के में दिमाग बन जाएगा। देखिए, होता क्या था कि सबसे पहले जो भारत था, है ना, भारत था, अखंड भारत था। मतलब अखंड भारत का मतलब क्या होता है, देखिए, ये सबसे पहले अपना भारत, ठीक है, ये अपना भारत है और यहां पर जो था अपना, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये हमारा भारत कहलाता था क्योंकि हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में हुआ था, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो पाकिस्तान भी हिस्सा था। देखिए, होता ये है कि ये जो पाकिस्तान में ना 150 साल पहले ये कहा जाता था कि भैया भारत का जो इतिहास है ना, वो सिकंदर के काल से, मतलब जब सिकंदर आक्रमण किया था तो सिकंदर के काल से हम सोचते थे कि भारत अगर विकसित हो रहा है, भारत में अगर किसी का एकाधिकार है तो वो सिकंदर ने किया। लेकिन पूर्व धारणा ये बदल गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा की खोज हुई। अब हड़प्पा की खोज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड जानिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ना, यहाँ पर से सिंधु नदी है, समझिए, ठीक है, यहाँ पर से नदी बना है। कहाँ से उसका ओरिजिन जी मैं बता रहा हूँ, ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी में अगर बात करूं मैं, इसको बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के बाद यहां पर आपका, यहां से जो गया है इसको बोलते हैं सतलज, ठीक है। यहां पर जो आया है इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। यहां पर जो जा रहा है इसको बोलते हैं अपन झेलम, ठीक है। यहां पर जो झेलम के बाद एक एक झेलम हो गया, सॉरी चेनाब, और इसमें मैं कंफ्यूज हूं, उसको मैं देख लेता हूं। एक यहां पर रावी है और उसके ऊपर चेनाब है, ठीक है। अब ये आपका 2014 के आसपास फ्री में क्वेश्चन आया था कि यहीं से संदर्भित इसी के बारे में क्वेश्चन आया था। आप लोग अगर इस चीज को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते होंगे तो इस चीज को समझते होंगे, है ना। अब ये हमारा क्या है, सिंधु नदी, ये आपके दिमाग में जम रहा है ना। अब उसके बाद होता ये है कि ये तो व्यास नदी था, तो उसके बाद इस जगह में, है ना, और इस जगह में एक जगह था मोहनजोदड़ो करके था, ठीक है। यहाँ पास मोहनजोदड़ो और यहाँ पास हड़प्पा था, ठीक है। तो हड़प्पा जब था ना, तो यहाँ पर सबसे पहले 1921 में खोज हुआ था, ठीक है। उसको कौन खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। कौन खोजा था, दयाराम साहनी ने। लेकिन इसके पहले का हम इतिहास जानते हैं। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को इमेज बनाना जरूरी है। देखो क्या हुआ, 150 साल पहले क्या हुआ कि इस जगह में ना पहले क्या था, मिट्टी रेलगाड़ी बना, रेलगाड़ी का पटरी बिछाया जा रहा था। अब जब रेलगाड़ी का पटरी बिछाया जा रहा था ना, तो रेलगाड़ी के पटरी बिछाने में क्या किया गया कि इस क्षेत्र में जब आए, है ना, जो बनाने वाले थे, इस क्षेत्र में जब आए तो लोग देखे कि भाई यहाँ पास तो बड़ा बड़ा ईटा का फैक्ट्री टाइप से है, मतलब हम लोग यहाँ फैक्ट्री पा गए। उन लोग क्या किए, ईटा को निकाले और रेलगाड़ी का जो बनाने का जगह था उसमें उसको जाके रख दिए, ठीक है, उसको उसके वहां पर जाके रख दिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ कि कलिंगम ने चार्ल्स मेंसन और कलिंगम, ये दो जन खोज किए थे। भाई ये आप जो ईटा भट्टा बोल रहे हो, कलिंगम जो थे यहाँ पर खोज किए, और खोज करने के बाद बोलते हैं कि भैया ये जो ईटा भट्टा नहीं है, ये पुरातात्विक क्षेत्र है और इसको हम पुरातात्विक क्षेत्र बोलेंगे, और इस क्षेत्र को घेर दिया गया। पुरातात्विक क्षेत्र क्या, पुरातात्विक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि देखिए, जो चीज पुरानी चीज होती है जिसको हम नहीं जानते, है ना, और वो अचानक से खोज मिल जाता है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक क्षेत्र, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए, ये जब हो जाता है, इस क्षेत्र को घेर दिया जाता है। अब जब इस क्षेत्र को घेर दिया जाता है ना, तो घेरने के पश्चात फिर 1921 में आते हैं हमारे भारत के दयाराम साहनी। अब जब 1921 में दयाराम साहनी जी आते हैं ना, तो 1921 में दयाराम साहनी जी
सबसे पहले खोज करते हैं हड़प्पा क्षेत्र का, ठीक है। 1921 में आते हैं, हड़प्पा क्षेत्र का खोज करते हैं। हड़प्पा क्षेत्र का खोज करने के पश्चात जब वो खोज लेते हैं, उसके बाद चंद कुछ 1922 में करेक्ट एक साल बाद क्या होता है कि यहां पर मोहनजोदड़ो का फिर खोज करते हैं। उसको कौन खोज करते हैं? रखालदास बनर्जी। चलिए 1921 में कौन खोजा था? जयराम साहनी। 1922 में रखालदास बनर्जी, ठीक। अब ये तो खोज की बात थी, ठीक है। हम लोग जान गए कि खोज कैसे हुआ। अगर मैं तुमसे संदीप पूछूं तो तुम बता सकते हो ना, तुम्हारे पीछे इमेज बन रहा है ना, अगर ना बनता हो तो मुझे बोलना, ठीक है। अब देखिए ये तो एक हम इसके पृष्ठभूमि को जान गए कि हम कैसे हमको हड़प्पा सभ्यता मिला और हम कैसे इस चीज को खोज पाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे पीछे इमेज बनना जरूरी है। आज हम देखते हैं मुखर्जी नगर में इतने बच्चे जाते हैं और बहुत सालों से इस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ लाचार हो रहे हैं। लाचार होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोग कहानी नहीं बना पाते। कहानी इसीलिए अच्छी है क्योंकि हमसे इमेज बनती है और हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद ये सब हो गया, अब हम इसके बाद बात जानेंगे कि नामकरण का औचित्य कैसे हुआ। मतलब अगर ये हड़प्पा पड़ा यहाँ पर का नाम, हम लोग तो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना, हमको ये भी तो जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम रखा गया। जरूरी है कि नहीं? तो वो टाइमच को यहाँ रख दीजिएगा। टाइमच कहाँ है? टाइमच को वहां पर 6:44, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का नाम के औचित्य के बारे में जानते हैं। देखिए हड़प्पा का नाम का औचित्य कैसे हुआ और नाम कैसे रखा गया हड़प्पा का। सबसे पहले क्या किया गया कि इस क्षेत्र में जब खोजे, ठीक है, इस क्षेत्र में खोज हुआ, खोजबीन हुआ। अब इस क्षेत्र में जब खोजबीन हुआ ना, तो एक तो हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था, दो ही क्षेत्र था ना भाई। एक हड़प्पा क्षेत्र था और मोहनजोदड़ो क्षेत्र था, ठीक है। हड़प्पा क्षेत्र और मोहनजोदड़ो दो क्षेत्र था। दोनों क्षेत्र के पश्चात क्या किया गया कि इस जगह में ना इसको नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम खोज रखा गया इसका? सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया इस क्षेत्र में, क्योंकि यही दो जगह मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मोटिमल विलर थे, मोटिमल विलर बोलते हैं कि अच्छा यार तुम लोग इसका नाम रख रहे हो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता रखना उचित नहीं हो सकता। उचित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई हम लोग को ना सिर्फ इसी जगह पे तो क्षेत्र नहीं मिला है, यहाँ पर भी चुनोदड़ो करके मिला है, है ना। यहाँ पर भी हम लोग को चुनोदड़ो करके जगह मिला है, इस जगह पे भी क्षेत्र मिला है, इस जगह पे भी क्षेत्र मिला है। मतलब हम सिर्फ केंद्रित करके इसी जगह को क्यों नाम रख रहे हैं? तो वो क्या किए कि इस नाम को परिवर्तित करके नाम रख दिए। नाम का था सिंधु सभ्यता, अब दूसरा नाम हो गया। पहला नाम क्या था संदीप? सिंधु घाटी का। पहला नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता नहीं था, दूसरा में था सिर्फ सिंधु सभ्यता, ठीक है। दो हो गया, दो नाम समझे। सिंधु सिंधु सभ्यता का मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी वक्त डायरेक्टली। अभी आप राष्ट्रपति नहीं है, आप स्टूडेंट है, पहला चीज। दूसरा चीज समझिए, देखिए ये तो हम लोग बात समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या समझ रहे थे कि सिंधु क्यों कहते हैं। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने पूछा कि सिंधु कैसे होता है, सिंधु को कैसे बोला जाए, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले सिंधु का नाम क्यों रखा गया इसको देखते हैं। देखिए इस क्षेत्र में मैंने बताया कि इस क्षेत्र के आसपास पहले इसी क्षेत्र में मिल रहा था, तो इसका नाम क्या रख दिया था? सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया था। लेकिन इसके बाद आखिर इस तरफ भी सब मिला ना, तो मोटिमर विलर क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया सिंधु सभ्यता। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी है, यहाँ पर सिंधु नदी यहां से लेके यहां तक है ना, और यहाँ पर आस पास सब जगह क्या मिल रहा है? जगह मिल रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। दो आपको नाम पता चल गया। अब होता यह है कि तीसरे जन आते हैं, उनका जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था एच सी गुप्ता, ठीक है। एच सी गुप्ता जी आते हैं और बोलते हैं अच्छा ऐसा है भैया, हम इसको नाम ना यहाँ पर घग्गर नदी, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि घग्गर नदी कहाँ पर है, लेकिन मैं बता सकता हूँ पाकिस्तान सरस्वती नदी, राजस्थान। अच्छा राजस्थान, ओके। तो यहाँ पर तो अपना राजस्थान है, तो यहीं पर घग्गर नदी था, है ना। अब घग्गर नदी था, तो घग्गर नदी का यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोग यहाँ से मिलते थे, है ना। यहाँ पर नदी घग्गर नदी इधर से मिलता था, कनेक्ट करता था। तो जब कनेक्ट करता था ना, तो कनेक्ट करने में क्या हुआ, एस सी गुप्ता जो जी थे
एच सी जो गुप्ता थे, हाँ एच सी गुप्ता थे। एच सी गुप्ता बोलते हैं कि भाई ये जो सरस्वती घाटी है ना, सरस्वती जो घाटी है इसको हम एक काम करते हैं कि इसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम रख देते हैं संदीप? सिंधु सरस्वती सभ्यता। हाँ, सरस्वती नाम क्यों रखा गया? घग्गर नदी के नाम। घग्गर नदी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में। तीन चीज याद हो गया तुमको, ये प्री में आया था क्वेश्चन, देख लेना ठीक है। अब इसके बाद ये चीज भी हम जान गए है ना। दूसरा चीज अब हम ये जानेंगे कि अब ये दो संदीप पहला क्या क्या नाम था बताओ मेरे को। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। पहला नाम क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। ओके राइट। फिर सिंधु नदी के आसपास थे तो सिंधु सभ्यता। वेरी गुड। फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता। वेरी गुड। और कौन रखा था, इसका नाम क्या था? एच सी गुप्ता। ओके ऑलराइट। उसके बाद फिर जब ये सब चीज हो गया ना, अब इसके बाद क्या किया गया कि भारत, जब ये भारत में हम लोग का 1947 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। लेकिन उसके पहले भी एक चीज सोचे भाई, पुरातात्विक विभाग के लोग, जब पुरातात्विक विभाग बनना स्टार्ट हुआ तो सोचे कि एक बात बताओ यार, हम लोग इसका नाम इतना डाइवर्ट रख रहे हैं, डाइवर्ट रखने से अच्छा हम लोग इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? हड़प्पा सभ्यता नाम रख देते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखते हैं, कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि पुरातात्विक विभाग का एक नियम है, पुरातात्विक विभाग का नियम यह है कि कोई सा भी क्षेत्र पहले हाईलाइट होता है या पहले मिलता है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। मतलब हड़प्पा पहले 1921 में मिला था, कौन खोजा था उसको? दयाराम सहनी खोजा था, 1921 में खोजा था, और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा। डाउट ये है जी, पूछिए कि आपने बताया कि 1921 में सिंधु घाटी के नाम से रखा गया, सिंधु नदी के नाम से। जी जी, तो हड़प्पा नाम कैसे पड़ा? हाँ यही मैं इसी चीज को अभी बताया, लेकिन आप शायद ख्यालों में डूब गए थे, मैं फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए जी, हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता ना, मैं आपको जो पहले इतिहास बताया वो क्लियर है ना आपके दिमाग में। देखिए पुरातात्विक विभाग का एक नियम है, पुरातात्विक विभाग का नियम ये होता है कि अगर पहला कोई सा भी साइट मिलता है ना तो वही नाम हम वो पूरे सभ्यता का नाम रख देते हैं, वही नाम हम पूरे सभ्यता का नाम रख देते हैं। मतलब अगर ये आसपास जितने भी क्षेत्र मिल रहा है तो इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, हड़प्पा रख देंगे ना। क्यों रखेंगे? क्योंकि सबसे पहले वही खोजी। और ऐसा नियम कहां से आया? पुरातात्विक विभाग का नियम है। ठीक है, अब क्लियर हो गया तो कि दो चीज अपना क्लियर हो गया माइंड से, एकदम अच्छे से जान गए आप। मैं अगर आप लोग से पूछूं कि सभ्यता खोज ने भारतीय इतिहास की, ये सब चीज आप लोग समझ गए ना, दो चीज समझ गए। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे, नामकरण का औचित्य भी जान गए हम लोग, नाम कैसे पड़ा ये भी जान गए, उसके बाद खोज कैसे हुआ ये भी जान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे कि इसका उद्गम कैसे हुआ। मतलब अगर हड़प्पा सभ्यता आया भी ना तो भाई यहाँ पर कैसे बसे लोग, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अगर हम सिर्फ इतना ही जान गए कि भाई यहाँ पर कैसे बसे, कैसे खोज हुआ, तो इतिहास इतिहास नहीं कहलाएगा। इतिहास इसीलिए कहलाया जाता है कि हम उसके पूरे अवधारणा को समझे, उसके बारे में जाने समझे। ठीक है, अब देखिए ये इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका कैसे विकास होता गया। मतलब आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े स्नानघर पाए गए थे, हड़प्पा क्षेत्र में बड़े बड़े उपकरण पाए गए थे, तो कैसे ये संभव हुआ, कैसे संभव हुआ ना, इसको भी जानते हैं जी। हड़प्पा सभ्यता को आपने ठीक से नहीं बताया, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था? आप भी ख्यालों में घूम रहे थे। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग कहाँ पास हो बताइए मेरे को, मैं क्लियर। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है वो तो आप बता दिए कि क्यों कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले नाम हड़प्पा किसने दिया ये जान। भैया जी मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। अरे आप लोग यार कमाल, और कोई क्लियर है क्या? नहीं वही बताओ, क्लियर हो गया ना डिसाइड, अब मैं बताऊँ आप दोनों को। ठीक है, आप समझिए फिर से। अच्छा बहुत बेहतरीन काम किए, यही प्रक्रिया हमको लाना है, जो चीज समझना है ना उसको बार बार पूछिए। देखिए फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बोर्ड का मिटाने का कुछ है क्या? ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को। ठीक है, अपने पास अभी 5 मिनट बचे हैं। देखिए मैं बेहतरीन से इसको आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से समझिए। ये
अपना भारत, भारत को मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये अपना भारत, ये क्या है संधि, पाकिस्तान, वेरी गुड, अब ये क्या है, वो सिंधु नदी है, वेरी गुड, यहाँ पास क्या है, वहाँ पास है जो सबसे पहले मोहन, मोहन जोदाड़ो, अच्छा, यहाँ पास क्या है, वहाँ पास क्या भैया, हड़प्पा, हड़प्पा, इसको क्या बोलते हैं, उसको किसको, नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये जो आज आ रहा है इसको बोलते हैं सिंधु नदी। सबसे पहले खोजा कहाँ गया, ये पाकिस्तान का हड़प्पा क्षेत्र है, जगह का नाम है हड़प्पा, ठीक है, और यहाँ पर 1921 में खोजा गया सबसे पहले, तो इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम रख दिया गया, संधि, हड़प्पा, हड़प्पा। पुरातात्विक का नियम क्या कहता है, जो न, जो क्षेत्र सबसे पहले खोजा गया हो, हाँ, उसी के नाम पे सभी, वेरी गुड, तो मैं आपको आपको क्लियर कर दिया, हाँ, कुछ है, हाँ, तो बोलिएगा, अब ये हम समझ गए, अब इसके बाद हम समझते हैं क्रमिक विकास, ये जो है मेंस में आया था आपका जीएस का क्वेश्चन, अभी आप जब फ्री होंगे ना तो इस चीज को जाके देखिएगा कि क्रमिक विकास का सिद्धांत आया था, है ना, क्रमिक विकास का सिद्धांत इसलिए जरूरी जानना है क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, अब हम लोग जानते हैं क्रमिक विकास के बारे में, ओके संदीप, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि देखो यार, ये क्षेत्र था, ओके, देखिए ये भारत है, ठीक है, यहाँ पास मान लीजिए सिंधु नदी, ये सिंधु नदी बड़ा बना दिया हूं ताकि आप लोग समझे, ठीक है, ये सिंधु नदी, ठीक है, ये नदी है, अब क्या हुआ, इसको मैं कहानी बता रहा हूं, अगर आप आपके में दम है ना भूल के बताना, भूल ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि इमेज बन रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं इमेज जरूरी है। अब यहां पर क्या हुआ कि पहले, अभी मैं आप लोगों को सिंधु घाटी का प्रॉपर बता रहा हूं, किसी दिन मैं नव पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के बारे में भी बताऊंगा तो आप लोग और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं संक्षेप में समझा देता हूं कि देखिए पहले क्या था कि नव पाषाण और ये पूर्व पाषाण काल के आसपास के लोग ना नहीं जानते थे सब के बारे में, लेकिन धीरे से उन लोग क्या किए कि आना स्टार्ट किए, आना स्टार्ट किए मतलब इस क्षेत्र में आना स्टार्ट किए, ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ ना कि यहाँ पर जब उन लोग आए तो ये पानी चलता था, ऐसे ही चलते रहता था पानी, है ना, तो लोग सोचे यार साला पानी चलता है, हम लोग इस पानी का कोई उपयोग नहीं कर पाते, हम लोग को उपयोग करना चाहिए यार, कुछ बोलते हैं, है ना, ऐसे बोले तो लोग एक दिन क्या किए, यहाँ पर मिट्टी से ऐसे बांध दिए, है ना, बांध दिए, अब बांध दिए तो ये पानी रुक गया, इस क्षेत्र में पानी रुक गया, पानी रुका, पानी रुकने के बाद क्या हुआ भैया कि यहाँ पर लोग बोले कि यार पानी रुक गया, पानी का भी कुछ यूज किया जाता है, तो पानी का भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पर उन लोग क्या किए कि फसल को ना छिड़क दिए, छिड़के कैसे होंगे, देखो नवपाषाण काल में क्या होता था ना कि पहले पशु पशु पक्षियों को मतलब बांधना स्टार्ट कर दिए थे, और कुछ कुछ दाना से उन लोग देखते थे कि ये पेड़ उग रहा है, ये उग रहा है, अच्छा तो लोग दाना को इकट्ठा रख देते थे, अब उन लोग इकट्ठा रखने के बाद इस क्षेत्र में फेंक दिए, इस क्षेत्र में जब फेंके ना तो उग गया, अब बोले उसको खा के देखते, अरे अच्छा लगा यार, पेट भी भर गया हम लोग का, तो उन लोग क्या किए कि उन लोग यहाँ पास पानी रोके, पानी का उपयोग करके उन लोग खेत बनाए, खेत का उपयोग करके उन लोग क्या किए, यहाँ पास खेती किए, और खेती करके उन लोग को फसल मिल गया, अब उन लोग इस चीज से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होके यहाँ पास खेती करना स्टार्ट किए, और खेती भी कैसे किए कि उन लोग एक बार में दो खेती करते थे, मतलब यहाँ पास गेहूं भी और धान भी उगाते थे, और यहाँ पास उन लोग अपने फैक्ट्री खोल लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सुक्कुर फैक्ट्री करके बोलते हैं, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है, यहाँ पर लोग अपना एक फैक्ट्री खोल लिए, और फैक्ट्री खोलने के बाद सुकुर और रोहरी फैक्ट्री खोले, और यहाँ से कृषि पद्धति का उपयोग हुआ, तो ये आपको जानना जरूरी है, अगर आपको कोई भी पूछे कि कृषि का उद्भव कैसे हुआ, यहीं से आप बताएंगे, तो जैसे कि आज का टाइमिंग तो बहुत कम है और आज हम लोग पढ़े नहीं, अब मैं आप लोग से अगले बार मिलूंगा रूबरू होके, आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बता दूंगा, अगर आपके में दम है तो एक भी क्वेश्चन ना बना के दिखाइएगा, ओके, थैंक यू।